और ये एयरपोर्ट जो बनाया गया है नया बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट, ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। एंड दीज आर द स्पेशल टैक्सी विच इज कॉल्ड लंदन टैक्सी। वाओ ब्यूटीफुल, काफ़ी। हेलो, मैं विकास, बेफिक्री। और आज हम लोग जा रहे हैं अपने एक और ट्रैवल जर्नी पे, और इसमें होने वाली है हमारी स्टार्टिंग ऑफ न्यू सीरीज जो होने वाली है अज़रबैजान की, बाकू की। यस, और बाकू के साथ साथ हम काफ़ी जगह घूमने वाले हैं, तो स्टे कनेक्टेड। इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे कि हम लोगों ने कोइत एयरवेज से हम लोग जा रहे हैं बाकू, कारा एक्सपीरियंस था, किस तरीके से हमारा इमिग्रेशन हुआ, सब कुछ आपको इस वीडियो पे बताया जाएगा। और साथ ही साथ जब हम लोग बाकू के एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ हमारा कैसे एक्सपीरियंस रहा पूरा आपको बताया जाएगा। और अब हमारा इमिग्रेशन और लगेज वगैरह ओपन होने का और टाइम है ब्रेकफास्ट का, तो इसीलिए हम लोगों ने सेलेक्ट किया है कैराबू, बिकॉज कैराबू की काफ़ी हम लोगों को काफ़ी पसंद है। तो अब हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जब टाइम होगा हमारा बोर्डिंग का तो हम जाके बोर्ड करेंगे। 8:30 हमारा बोर्डिंग है, गुड इनफ टाइम। और एक बार हम लोग बाकू पहुँचे, इमिग्रेशन क्लियर करें, तो आपको बताते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट चलेगी और हम लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। नाउ इट्स टाइम टू बोर्ड द फ्लाइट, यो वी आर वेरी एक्साइटिंग, तो चले। ऑलमोस्ट फुल है और काफ़ी लोग जा रहे हैं बाकू में, और बाकू का जो वेदर होने वाला है वो काफ़ी ठंडा होने वाला है, इसीलिए हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। और अब मिलते हैं आपको बाकू में। फाइनली पहुंच गए बाकू, फ्लाइट वॉज वेरी स्मूथ और बहुत जल्दी पहुंच गए भाई, तो मज़ा आ रहा है। सो मूविंग टूवर्ड द इमिग्रेशन, देखते हैं इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। क्लियर द इमिग्रेशन, इमिग्रेशन वॉज रियली फास्ट, उन्होंने हमारा बस जो ई वीज़ा था वो देखा और बस पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दिया। कोई आज बिल्कुल रश नहीं है, बिल्कुल। एंड बेस्ट पार्ट ये, मैं हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि आप ऑन अराइवल वीज़ा पे मत रहे, बिकॉज उसमें टाइम भी लगता है और पैसा भी ज़्यादा लगता है। बिकॉज अगर ई वीज़ा लेते हैं तो हम लोगों ने $26 स्पेंड किए थे, और अगर ऑन अराइवल वीज़ा लेते हैं तो $30, बट उसमें टाइम भी लगता है और उसमें आपको कैश लाना चाहिए, बिकॉज $30 आपको उस मशीन में डालने पड़ेंगे, या अगर आपने 50 डाले तो वाकई 20 नहीं मिलेंगे, और या तो आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। सो ये था हमारा एक्सपीरियंस जो हम लोगों ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया। अब नीचे चलते हैं बैगेज कलेक्ट करने के पास। हम आ चुके हैं बैगेज के पास अपना बैगेज कलेक्ट करने के लिए। दिस इज़ द बैगेज, छोटा सा एयरपोर्ट है बट क्यूट सा है, काफ़ी साफ़ सुथरा है और काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही है। सो अपना बैग लेते हैं, लेने के बाद छोटी सी ड्यूटी फ्री शॉप है तो उसको देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या मिलता है। सो लेट्स गो। एयरपोर्ट बाहर आ चुके हैं, रियली नाइस, देख सकते हैं क्रिसमस ट्री लगा हुआ है एंड रियली नाइस, काफ़ी अच्छा है। अज़रबैजान का जो पीछे जो फ्लैग है अमेजिंग है एंड काफ़ी अच्छा एंड बढ़िया एयरपोर्ट है। एंड लगेज लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एवरीथिंग वाज स्मूथ। ड्यूटी फ्री शॉप छोटी सी है बट इनफ है, जो आपको जुगाड़ चाहिए वो आपको मिल जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कार रेंट कर सकते हैं और टैक्सी ले सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। सो इट्स रियली नाइस, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर। यहाँ से हम निकल के, दिस इज़ द एयरपोर्ट एंड क्रिसमस ट्री।
चुका हूँ। दिव्या अपने में बिजी है, काफ़ी बिजी है दिव्या, एंड रियली नाइस, काफ़ी बहुत ही बढ़िया एयरपोर्ट है। बाहर का जो नज़ारा है बहुत ही अच्छा है, काफ़ी ठंड हो रही है सो इसीलिए हम लोगों ने जैकेट पहन ली है, एंड वी गॉट आवर टैक्सी वैन, और अब हम मूव करते हैं एयरपोर्ट के लिए से अपने होटल की तरफ। होटल में चेक इन करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और शाम को निकलेंगे। सो आपको होटल का भी दिखाते हैं, अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से व्यू कैसा है। ये एयरपोर्ट जो बनाया गया है नया बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है, ब्यूटीफुल एयरपोर्ट, एंड दीज आर द स्पेशल टैक्सी विच इज कॉल्ड लंदन टैक्सी। वाओ ब्यूटीफुल, काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर है, और आज मौसम भी काफ़ी ठंडा है, सो लेट्स गो। Okay, came has to pick us and now we are moving towards our hotel, so let's go. Moving towards the parking. This is the parking space and these are the cars. बहुत खूबसूरत है, और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये ओल्ड एयरपोर्ट है जो रशियन के टाइम पे बनाया गया था, बट अभी जिसमें से आए दिस वन इज़ द न्यू एयरपोर्ट, एंड वी आर मूविंग टूवर्ड आवर टैक्सी। हम लोगों ने ये पैकेज कहाँ से लिया, कैसे किया, विल बी डिटेल वीडियो आएगी आपके पास। सिटी लुक नाइस क्लियर ऑन द फर्स्ट लुक एयरपोर्ट। और अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हम लोग लेके गए थे और इमिग्रेशन पे कैसा एक्सपीरियंस रहा। हम लोगों ने क्या कर रखा था, अपने आने जाने के टिकट करवा रखे थे कुवैत एयरवेज के, साथ ही साथ जैसा हमने पहले भी बताया हमने ई वीज़ा ले रखा था जो हम लोगों को 26 USD का पड़ा, और उसके साथ ही हम लोगों ने अपनी इंश्योरेंस भी ले रखी थी, ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस इंडियन पाकिस्तानी लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है, बट एज अ रिकमेंडेशन मैं चाहूँगा कि आप लोग जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करें उसको लेके चले। जब भी हम लोग अपना कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं हम अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस अपने साथ लेके चलते हैं, ये एक आपको प्रिवेंट करती है कोई भी फाइनेंशियल लॉसेस से जो कभी भी आप ट्रैवल करते हुए आपके साथ हो सकते हैं या किसी के साथ भी हो सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ कुछ फंड्स, जो फंड्स थे वो कुछ आप कैश ले जा सकते हैं, हम लोगों ने USD लेके आए थे, और साथ ही साथ हम लोग अपने क्रेडिट कार्ड लेके आए हैं तो क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करेंगे यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा वाइब्स आ रहा है। और इमिग्रेशन पे ज़्यादा कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जे सिंपली चेक आवर पासपोर्ट, और उसके साथ साथ उन्होंने हमारा ई वीज़ा देखा, और विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ टाइम उन्होंने स्टैम्प करके हम लोगों को आगे भेज दिया, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी कोई डाटा का डॉक्यूमेंट हम लोगों से चेक नहीं किए गए, और साथ ही साथ जब भी आप आ रहे हैं अपने होटल बुकिंग्स अपने साथ लेके आए, उनको भी अपने साथ ही अपने पेपर में रखे, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था। मे बी ऐसा हो सकता है कई बार कोई और अलग ऑफिसर बैठा होता है तो वो ये डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है, तो ऐसा हमने कई ऐसे ट्रैवलर्स के साथ देखा गया है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स थे हमारे चेक नहीं किए गए पर उन लोगों के चेक किए गए हैं। उन लोगों से होटल बुकिंग भी मांगी गई और उन फंड्स के बारे में भी पूछा गया, तो इस तरीके से आप पहले से वेल प्रिपेयर होके आए तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आपसे वो कोई भी क्वेश्चन पूछे या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए पूछे तो आप आसानी से कम्फर्टेबली प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि आपको आराम से बाकू में एंट्री मिल जाए। और अभी हम आ चुके हैं बाका सेल अपना सिम कार्ड लेने के लिए, सो हम यहाँ पे दो तरीके के सिम कार्ड है, एक है अगर आप फ़ोन करना चाहे और इंटरनेट लेना चाहे वाला ऑप्शन है, और सेकंड ऑप्शन है कि खाली आप इंटरनेट ही ले सकते, तो हमने ऑप्ट किया है खाली इंटरनेट के लिए, जिसमें हमने 50 GB 40 मन्नत का लिया है। ये पैकेज अभी थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा हमारे फ़ोन पर, फिर आगे चल के बताते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं। दिस इज़ अ शॉप, यहाँ का अच्छा सर्विस प्रोवाइडर है ये, जिसकी सर्विस काफ़ी अच्छी है एंड इनके रेट्स भी काफ़ी रिजनेबल हैं। सो हमारे जो टूर ऑपरेटर्स हैं उन्होंने हमें यहाँ पे बोला कि यहाँ से लिया जाए, वी विल गेट अ बेटर सर्विस। और पैसे भी एक्सचेंज करा दिए हम लोगों ने इस बैंक से, एंड बैंक पे बहुत अच्छा रेट मिला। अगर डॉलर को कन्वर्ट कराया तो $200 हमने कन्वर्ट करा दिए,
एंड वी विल गेट अ रियली गुड रेट. सो अब चलते हैं अपने होटल चेक इन करने के लिए. लेट्स गो. हम लोग अपने होटल पे पहुंच चुके हैं. ये हमारा होटल सेंट्रल पार्क होटल करके है. ये देखिए काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है. सो अब हम अपना सामान अंदर चलते हैं, होटल में चेक इन करते हैं, होटल दिखाते हैं, होटल के रूम कैसे हैं. लेट्स गो. सो ये है हमारा होटल सेंट्रल पार्क. ये है हमारी टैक्सी उबर एंड वी आर गोइंग इन. एंड अच्छी जगह पर है, मेन रोड के एकदम पास में ही. सो सामान वान सब ले जाते हुए अंदर और दिखाते हैं थोड़ा रेस्ट करके. होटल का रूम नंबर है 810. चलिए, छोटा सा काफ़ी कंफर्टेबल सा रूम है. अब जब आएंगे इधर, इट्स अ डबल बेड डिलक्स रूम, छोटा सा है एंड सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है. आराम से हम लोग यहाँ पर अपनी एडिटिंग कर सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, टीवी देख सकते हैं. एंड व्हेन यू कम हियर, इधर आप देखिए आराम से मेकअप करने के लिए तैयारी है और एम्पल स्पेस है अपनी विंटर क्लोथ्स को यहाँ पे लगाने के लिए. एंड बॉक्स भी रखा है अपना, जो भी अपना अवेलेबल है यहाँ पे डाल के जा सकते हैं. एंड देन वी हैव अ वॉशरूम, कैन सी बाथिंग क्यूबिकल है, टॉवल सब दे रखे हैं. और इस छोटे से कोजी रूम में काफी अच्छे वाइब्स आ रहे हैं. सो अभी देखते हैं बाहर का कैसा है. सो आइए मैं आपको बाहर दिखाता हूँ. बाहर तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चिलिंग चिलिंग. और यहाँ से व्यू देखिए, प्रॉपर कैप्सूल सी का व्यू आता है, बहुत खूबसूरत. कुछ नई 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 बिल्डिंग्स हैं वहाँ का, काफ़ी सारे. तो इसका व्यू तो इतना नहीं है, बट मस्त बैठ के चाय पी सकते हैं यहाँ पर. रियली नाइस, काफ़ी अच्छा है एरिया, बहुत अच्छा है. एंड यहाँ से निज़ामी स्ट्रीट काफ़ी पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, और सारे जितने भी मॉल्स हैं. अब हमने अपना सामान सारा सेटल कर दिया है, थोड़ा अब इट्स टाइम टू हैव सम कॉफ़ी और चिल करने का. और अब हम आपको बताते हैं कि हमने ये जो पैकेज कहाँ से बुक किया है और हमारी अभी तक की जर्नी कैसी रही. और ये जो पैकेज है, इट इज़ अ फुली स्पॉन्सर पैकेज फ्रॉम ट्रैवल ऑन. ट्रैवल ऑन, यस. एंड सबसे पहले हम लोग थैंक्स करना चाहते हैं ट्रैवल ऑन की टीम्स के, कि उन्होंने हमें बनाया अपना सोशल मीडिया पार्टनर. और ये जो पैकेज है बाकू का, अज़रबैजान का, उन्होंने प्लान किया है. इसमें हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ट्रैवल करना है. वी विल बी गोइंग टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस. और इसमें जो ट्रैवल ऑन की डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है,